नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनाव को लेकर शुक्रवार को सीएम योगी ने गोरखपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया, जिसमें सोना चांदी, कैश, घर, गाड़ी और हथियारों तक की जानकारी साझा की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सीएम योगी के पास निजी रिवॉल्वर और असलेह की खबर से तो हर कोई हैरान हो गया। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि सीएम योगी के पास कौन कौन से असलेह हैं। सीएम योगी के चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास एक रिवॉल्वर है जिसकी कीमत करीब 1,00,000 रुपए है और 80,000 रुपए कीमत की एक राइफल भी है। वहीं सीएम योगी ने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास कुल 1,54,94,054 रुपए की संपत्ति है। सीएम योगी ने बताया कि वो कान में जो कुंडल पहनते हैं वो 20 ग्राम वजन का है और उसकी कीमत करीब 49,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास 20,000 रुपए कीमत की सोने की चैन वाली एक रुद्राक्ष माला भी है। उन्होंने बताया कि उनके पास सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल है जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। अपने शपथ पत्र में योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ना ही उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ एक वर्चुअल जन चौपाल के जरिए मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जन चौपाल में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और आने वाली 6 फरवरी को पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, वो जारी किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।